नमो नमः अद्य संस्कृत भाषाया वर्णमाला पठिष्यामः। संस्कृत वर्णमाला क्या होती है? वर्णनाम व्यवस्थित समूह वर्णमाला अस्ति। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में क्या होता है, जो वर्ण होते हैं जिनको वर्ण हाँ बोलते हैं 46 होते हैं, जो कि दो भागों में बटे होते हैं हिंदी की तरह, स्वरा और व्यंजनानी। जो स्वरा होते हैं स्वर वो 13 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वे 33 होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के 46 होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो मूल इकाई होती है। वर्णों से मिलकर के पद बनते हैं, पदों से मिलकर के वाक्य और वाक्य से मिलकर के कोई भाषा बनती है। तो स्वरा को जाने के क्या क्या होते हैं, अ आ ई ई उ उ री री ली ए ऐ ओ औ, ये सारे होते हैं स्वर। और जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, क वर्ग के व्यंजन होते हैं, क ख ग घ ड़। च वर्ग के होते हैं च छ ज झ य। और ट वर्ग के होते हैं ट ठ ड ढ ण। और त वर्ग के होते हैं त थ द ध न। प वर्ग के प फ ब भ म। और एक होते हैं तस्त जिनको हम बोलते हैं य र ल व। और उष्म होते हैं जो श स स ह, ये होते हैं। तो एक चीज़ इसमें याद रखने वाली बात है कि अयोगवाह होते हैं संस्कृत में, जो कि ये वाला जो होता है जिसको हम अंगा बोलते हैं, इसमें आपने देखा कि अंग नहीं था इसमें, अंग और अह नहीं था। तो जो अंग होता है उसमें जो बिंदी होती है ऊपर, ये इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। जो दो बिंदियाँ होती है किसी के आगे लगी होती हैं अक्षर की, उसको विसर्ग बोलते हैं। और जो नीचे लगा होता है जैसे इन सब में लगा हुआ है, इसको हम हलंत बोलते हैं। जो शुद्ध व्यंजन होते हैं ये वाले, ये हलंत ही होते हैं। अब सबके नीचे आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये आधे शब्द हो, आधे अक्षर होते हैं अगर इनके साथ स्वर ना मिले तो। जैसे कि ये है क और इसके साथ हमने अ मिला दिया स्वर तो हो गया क। और ये जैसे कि क प्लस आ तो ये हो गया का। तो ये स्वर के बिना अधूरे होते हैं। और शुद्ध व्यंजन जो होते हैं उनमें हलंत जरूर लगा हुआ होता है। अब हम जानेंगे वर्णमाला को इनके अर्थों सहित। जैसे अ अश्वहा घोड़ा, अ आम्रम आम, ई इंदुः चंद्रमा, ई ईशिका कूची जो पेंटर के पास ब्रश होता है वो, उल्लू कहा उल्लू, ऊनः ऊन, रिक्ष रीच। और जो बड़ा री होता है री, पितृणम जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है लरी लकारा। जो ए होता है ए, ए से बनता है एकादश मतलब 11। और बड़ा ए अगर होगा जिसको हम आई बोलते हैं, एरावत जो हाथी होता है इंद्र भगवान का, ओ ओष्ठ होठ, औ औषधम दवाई। अब हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। क वर्ग के पहले क कमलम कमल, ख खग पक्षी, ग गदा गदा, घ घट घड़ा अड़ा जैसे कि रंगा, च चक्रम पहिया, छ छत्र और छत्रम दोनों बोल सकते हैं छाता, ज जलम जल और झ झ मछली। य होता है जो कि पंचम में लगा हुआ होता है 5। ट टड्डी का कुल्हाड़ी, ठ ठक कह व्यवसायी या व्यापारी, ड डमरुह डमरू, ढ ढक कह ढोलक। और अण होता है जैसे कि कंकण हाँ कंगन होते हैं जो, त तरु वृक्ष, थ थ पहाड़ी, द द्राक्ष अंगूर, ध धनु धनुष, न नक्रह मगरमच्छ। अब पावर के देखेंगे, प पत्रम पत्ता, फ फैनिलम साबुन, ब बालकह लड़का, भ भवनम भवन, म मयूरह मोर। अब अंतस्थ व्यंजन देखेंगे, य यति ही साधु, र
रज्जुः रस्सी लगुड़ः लाठी व वटः वृक्ष। उष्मव्यञ्जन श्व शशकः खरगोश स सट छ स सर्पः सांप और ह हो गया हस्तः हाथ। धन्यवादः।